तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी PSD फाइल देने वाला हूं जिसको आप एक क्लिक करके अपने सिंपल PNG लोगो को एक 3D प्रोफेशनल कॉपर लोगो के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां, तो इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी फाइल दूंगा जो कॉपर लोगो, जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा है कि आप सिंगल क्लिक पे अपने सिंपल लोगो को एक प्रोफेशनल लोगो में तब्दील कर सकते हैं और उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड फाइल को कैसे करना है और इसको एडिट कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर हमारे पास ये एक फाइल है, तो PSD फाइल है। इसको मैं अब ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करके सिंपली इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये लोगो आ गया। तो कुछ इस तरह का आपका लोगो दिखने वाला है। तो इसके अंदर मैं आपको लोगो अपना लगा के दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर किस तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है, और मैं 2-3 लोगो लगाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा लोगो इस पर परफेक्ट यानी बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा या बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लोगो डाउनलोड किए हैं जो PNG है और कलरफुल है, तस्वीर वाले हैं, नाम है, तो इनको हम बारी बारी अब यूज़ करके देखेंगे। तो आपने यूज़ कैसे करना है, इस जो लोगो है आपने सबसे पहले वाली लेयर पे डबल क्लिक करना है और आपके पास अलग से एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर आप जो चीज़ रखोगे कंट्रोल एस करोगे और बैक जाके देखोगे तो वहाँ पर आपका सेम लोगो वही आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कलरफुल लोगो को यहाँ पे सेव करके वापस करके चेक किया है। यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आप कोई तस्वीर नहीं लगा सकते इसमें या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा सकते जो आपको इस तरह से यानी जो कलरिंग वाली हो। आपने सिंपल सा लोगो देना है जिसके अंदर कोई कलरिंग वगैरह ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर मेरी सेंटर में तस्वीर थी, यहाँ पर मैं बैक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये वाल पेपर इसने नहीं उठाया। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर सिंपल चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो मैं अब और चीज़ें अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहेंगे। तो आपने कुछ किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने यहाँ वहाँ पे टाइप कर लें, आप यहाँ पे अपनी कोई पोइट्री या कोई नाम या कोई जो आजकल चल रहे हैं कि एस लिख दो, ए लिख दो, इस तरह के आप कोई भी डिज़ाइन बना किसी को भी आसानी के साथ दे सकते हैं। तो अब हम इस फाइल को, आपको अंदाज़ा हो गया कि आप किस तरह का इसमें लोगो एडिट कर इसमें लगा सकते हैं। तो अब इस फाइल को हम बंद करते हैं और इसको पासवर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस फाइल, ये हमारी फ़ाइल है, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक आपको ये मिलेगा, फ़ोटोशॉप का एक वेबसाइट मिलेगी आपको, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये पासवर्ड आएगा, आपने कंट्रोल डबल क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। और अब हम इसको लगाते हैं पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड बता देता हूँ, यहाँ पे मैं वहाँ से जो कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रैंडम नंबर लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसी, मैंने 6-5 लिख दिया। तो आप जब तक ये पूरा पासवर्ड नहीं डालेंगे आपके पास ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। तो मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर ओके। तो ये फ़ाइल आपको कहाँ से मिलेगी, ये उसी वेबसाइट से मिलेगी और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, जो पैसे दे के ये लोगो नहीं बनवा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से खुद अपना प्रोफेशनल लोगो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।